हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज जा रही हूँ मायके राखी के लिए, और भाई आएगा लेने के लिए नाइट में। जॉब पे गया है वो अभी, तो 9 बजे तक आएगा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। तो मैं अभी पैकिंग कर रही थी कि क्या क्या सामान लेके जाना है, क्योंकि हम जा रहे हैं फेस्टिवल में, मतलब राखी में, तो क्या पहनना है, फिर उसके मैचिंग की चीज़ें, फिर मेकअप के किट्टू के कपड़े सब जो है रखना है, मुझे अभी तैयारी करनी है। तो उसके बाद जो है फिर उसके आने से पहले तैयार रहना है मुझे। तो थोड़ा बहुत घर का जो काम है वो निपटा देती हूँ, क्योंकि 2 दिन में पता नहीं घर की हालत क्या होने वाली, मैं तो सोच के ही हो रही हूँ मतलब अगर औरत घर से चली जाती है ना, तो घर जो है ना कबाड़ा हो जाता है, कबाड़ा। तो बस देखते हैं। तो अभी सुबह मॉर्निंग में जो है सारा काम हो चुका था, अभी इवनिंग में जो है थोड़े से बर्तन जो है वो मैं धो लूँगी, और खाना जो है उनके लिए कुछ भी थोड़ा सा बना दूँगी ताकि वो खा लेंगे रात को। और बस फिर उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, देखिए आगे क्या कुछ खास है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ, और ये वाला बैग लेके जा रही हूँ मैं, और इसमें हर बार जो है ना थोड़ा बहुत जो सामान आ जाता है, तो मैं यही बैग लेके जाती हूँ। और यहाँ पे देखो किट्टू मेरी हेल्प कर रही है, किट्टू बहुत हेल्प करती है, आप लोग देखो बिल्कुल बराबर से काम करती है। और यहाँ पे ना कूलर चल रहा है, मैं मायके आ चुकी हूँ अपने, और ये वीडियो मैं यहाँ आके वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना अभी बुआ लोग भी आई हुई हैं, तो सब लोग हैं, तो थोड़ा सा जो है ना मतलब आवाज़ वगैरह आ रही होंगी आप लोगों को, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और सुबह सुबह के टाइम जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि मैं जल्दी से ये वीडियो अपलोड कर दूँ। ये मैं सोची थी कि राखी वाले दिन जो है मैं राखी का ब्लॉग शेयर करूँगी इवनिंग में, बट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सब लोग हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए राखी वाले दिन जो है मेरा ये वाला ब्लॉग आ रहा है। और राखी का जो ब्लॉग है वो हो सकता है उसके दूसरे दिन आए, तो आप लोग राखी ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। हम लोग ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, सॉरी इन्जॉय किया है, इन्जॉय करेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा अभी। आज राखी का दिन है, और मैंने जो जो सोचा है ना वो चीज़ें मेरे को करनी है आज, तो इसलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ पे देखो ये किट्टू के जो है ना पूरे कपड़े, इसमें आप देखोगे कि मेरे कपड़े बहुत कम हैं, किट्टू के ही कपड़े रख रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे हैं, दिन भर में पता नहीं कितनी बार कपड़े किट्टू चेंज करती है, तो बस इसीलिए जो है एक्स्ट्रा मैं कपड़े लेके जा रही हूँ। वैसे वहाँ पे भी रखे रहते हैं, क्योंकि वो आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पे भी मम्मी कपड़े रखती हैं किट्टू के लिए, खिलौने वगैरह सब कुछ, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं रखूँगी। पर हाँ मैं जा रही हूँ, हाँ हफ्ते भर के लिए जा रही हूँ मैं, तो फिर भी मैंने हफ्ते भर के हिसाब से कपड़े रख लिए हैं। और यहाँ पे जो है ना किट्टू भी मुझे परेशान करती, ट्राईपोड जो है खींच रही थी बार बार, तो उसको भी मैं ना डांट रही थी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं पैकिंग कर लूँ, वरना ये मुझे करने नहीं देगी। और मेकअप का जो भी सामान था ना वो भी मैंने रखा था, बट वो वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि उस टाइम पर किट्टू परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो वरना मैं आप लोगों को दिखाती कि मैं राखियाँ लेकर आई हूँ वो दिखाती, और मेकअप के सामान में मैंने क्या क्या रखा है ये भी मैं आप लोगों को बताती, बट किट्टू थी इस वजह से नहीं बता पाई मैं, इसलिए सॉरी। और मुझे नहीं लगता कि अब मैं शेयर भी कर पाऊँगी कि मैं कैसी राखियाँ लेकर आई थी, अब डायरेक्टली जो है राखी ब्लॉग ही आएगा मेरा, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे। तो गाइस ब्लॉग पे बने रहिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर से। तो यहाँ पे जो है किट्टू ढोकले खा रही है,
उसको ढोकला बहुत पसंद है, और ना ढोकले वाले आते हैं शाम के टाइम पे, तो इनके पहचान के भी, क्योंकि होता है ना डेली आते हैं तो पहचान हो ही जाती है, तो किट्टू जो है ना खड़े हो जाती है, तो उसके लिए लेके आए थे ढोकला, तो वो भी खा रही है और मेरे को बोलती मम्मा आप भी खाओ, तो उसके साथ खाना पड़ता, बाकी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए खा लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत उसके साथ, ताकि वो खा ले, अगर मैं नहीं खाऊँगी तो वो भी नहीं खाएगी, तो इसलिए। और यहाँ पे देखो कैसे परेशान कर, उसको पता है कि मम्मी कुछ काम कर रही हैं, तो वो पता है यहीं यहीं घूम रही है ताकि मैं मम्मी को परेशान करूँ, काम नहीं करने दूँ तो उसका ये होता ही है। तो और आज किट्टू ने फ्रॉक पहनी है, देखो बहुत कम फ्रॉक पहनाती हूँ मैं उसको ना, लेकिन क्या है कि सारे पुराने कपड़े जो है ना, जो फ्रॉक वगैरह है सब, मैंने सोचा कि मैं उसको डेली वेयर के लिए निकाल दूँ, क्योंकि मौसम भी जो है ना अभी ठंडा हो गया है, तो इस वजह से तो ये हैवी नहीं लगेगा उसको, वैसे भी हल्का कपड़ा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको फ्रॉक वगैरह जो है डेली के लिए पहनाना शुरू करती हूँ, ताकि मतलब होता है ना छोटे पड़ने लग जाते हैं तो अपन सोचते हैं कि चलो इनको डेली पहनाने लगते हैं अपन, तो बस वही कर रही थी मैं भी। और बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं कि छोटे हो गए तो रख दिया है, किसी को हम दे देंगे या फिर आगे चल के कभी काम आ जाएगा समझ रहे होंगे आप लोग, तो देखते हैं फिर। और यहाँ पे अब जो है मैं चाय बना रही थी, मैं पता है गई थी रात को 9 के बाद मैं घर गई थी, बल्कि मुझे 10 ही बज गया था, भाई आया था लेने के लिए, तो मैं 10 बज गए थे मुझे जाते जाते। मैं शनिवार को जाने वाली थी, बट मम्मी कहने लगी कि कुछ भी शुभ काम के लिए आ रहे हो ना तो शनिवार को नहीं आना चाहिए, तो इसी वजह से ना अचानक से जो है भाई मुझे लेने आ गया, तो फिर मैं जल्दी जल्दी जो है ना ये ब्लॉग वगैरह मैंने बनाया और पूरा काम करके गई थी मैं। 9 बजे तक जो है खाना वगैरह बना के और घर की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह सब सब पूरा काम जो करके गई थी मैं, ताकि आरवी को ना कोई काम ना पड़े। देखो तो यहाँ पे ना इवनिंग की चाय भी बन रही है, शाम को 6 या 7 बजे जो है मैं चाय बना रही थी, और बर्तन वगैरह भी मैं खाली कर रही थी यहाँ पे, कि जल्दी से चाय वगैरह पी के बर्तन जो हैं जितने भी थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं वो मैं मांझ लेती हूँ, तो बस वही कर रही थी मैं। तो मैंने बताया आपको कि मैं सारा काम करके गई थी, और 9 बजे तक जो है ना मतलब जाना था मुझे, तो मैंने सोचा करूँगी भी क्या, तो सारा काम निपटा लूँ अपना। और मेहंदी भी लगा ली थी मैंने एक हाथ में, मैंने सोचा था कि जब मेहंदी लगा रही थी ना तब मैं ब्लॉग बना लूँ, बट कि टू टाइम पे सच में यार इतना परेशान करती है यार, मेहंदी नहीं लगाने देती है वो, तो इस वजह से भी ना मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। बहुत सारी चीज़ें जो है ना छूट जाती हैं बच्चों के कारण, तो ये होता ही है हम हाउस वाइफों के साथ में। और तो चलिए अभी हम लोग जो है चाय पीते हैं, उसके बाद फिर हम और काम करेंगे। ब्लॉग पर बनी रही है अभी, आगे जो है बहुत कुछ खास है मायके पर जाने के बाद, थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे मैं ब्लॉग शेयर करूँगी, उसके बाद फिर डायरेक्ट जो है राखी का ब्लॉग शेयर करूँगी मैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। अब यहाँ पे जो है मैं मेकअप के सारे सामान जो है निकाल दी थी रखने के लिए, कि क्या क्या रखना है मुझे, क्योंकि देखो हम राखी पे जा रहे हैं और फिर अभी मेरा पूजा वाला एक दिन भी है, हर छठ का व्रत है। चलो मैं बता ही देती हूँ हर छठ, तो हर छठ कौन कौन जानता है मुझे बताना, हाँ क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो ये व्रत जो होता है ना बच्चों के लिए रखते हैं, तो मैंने सोचा कि इस साल जो है मैं ये व्रत रखूँगी, मेरी मम्मी रखती हैं तो, और मेरी मामी वगैरह भी रहती हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं भी रखूँगी, तो इस वजह से जो है ना पहला व्रत है, तो अच्छे से तैयार होंगे, राखी पे भी तैयार होंगे, तो इस वजह से जो है मेकअप प्रोडक्ट रख रही थी मैं। तो यहाँ पे किट्टू के पापा आके खड़े हो गए, कहने लगे इतना सारा सामान लेके जाओगी तुम, तो ये देखो यहाँ पे पोज दे के चले गए हैं, उनका यही हर वीडियो में उनका यही काम होता है, कई बार तो पता है मैं उनका आने का जो आते हैं और जो बातें करते हैं मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ भी बोल के चले जाते हैं ना वो, तो मतलब कि फ़नी फ़नी सा। तो यहाँ पे जो है आए थे और चले गए,
और कह रहे थे इतना सारा सामान लेके जा रही हो, इतना सारा मेकअप का सामान। तो मैंने बोला हाँ ठीक है ना, हम लड़कियों को लगता है भाई। और गाइस पीछे जो है कूलर चल रहा है, तो कूलर की भी आवाज़ आ रही होगी। और सब लोग उठ चुके हैं तो थोड़ा सा और भी नॉइस आ रही है। तो चलिए मैं वॉइस ओवर बहुत कम करूँगी अभी, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। यहाँ पे देखो मेकअप हो रहा है, किट्टू कर रही है पापा का मेकअप, ये देखो। और ये ले जाने के लिए सामान मैंने रखा है, बट किट्टू जो है यहीं पे फैला रही है पूरा, ये देखो। करो मेकअप, करो पापा को, कैसे मेकअप कर रही हो। अरे भैया वो खुल जाएगा पूरा, पूरा बिखर जाएंगे वो जमीन पे। ब्रश है पोतने वाला चेहरे को, चेहरा पोतते हैं इससे। अरे वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, वाह वाह, अरे वाह वाह भैया वाह। मेकअप आर्टिस्ट बन गई किट्टू। आह बस हो गया मेकअप ना, अब नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ। और करोगी? बिना शीशे में देखे, मिरर में तो देख ही नहीं रही हो तुम। ये चल इधर दिखाओ, अच्छा है, बस अच्छा है, अच्छा है। अब नहीं, कहाँ बैठ, हाँ इधर बोलो, हाय बोलो, हाय बोलना, हाय हेलो, कैसे हो, अच्छे हो, अच्छे हो, बोलो। अरे यार किट्टू, मैं पीट दूंगी तुमको बेटा, पता है, फिर तुम पीटोगी। क्या ये दवाई, ये क्या किया इसका तुमने, क्या किया इसका, नाना बुला रहा हूँ। अरे यार ये इसने पता नहीं ढक्कन कहाँ फेंक दिया, ये दवाई का ढक्कन है ये, और सबसे बड़ी बात तो इसने मुंह में ना लिया हो। नहीं है उसको, कुर्सी गलत जगह रखी है, तो अब यहाँ पे जो है मैं घर आ चुकी हूँ अपने मायके। और यहाँ पे मैं थ्रेडिंग बना रही थी क्योंकि घर पे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और मैंने सोचा जल्दी जल्दी से जो है मैं थ्रेडिंग बना लेती हूँ, वरना ऐसा होगा कि राखी के दिन जो है मैं बिना, मतलब अजीब सा लगता है ना वो थ्रेडिंग नहीं बनाते, अपना चेहरा जो है बहुत गंदा सा लगता है। तो बस मैंने सोचा पहले ये काम निपटा लेते हैं। तो किट्टू यहाँ बहुत परेशान कर रही थी, और घर पर सब लोग हैं, भीड़ भाड़ भी है, तो ना किट्टू जो है उसको मौका मिल गया है मस्ती करने का। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी इसमें थ्रेडिंग बना रही थी, और मैंने सोचा कि चलो शेयर भी कर देती हूँ कि भाई मैं यहाँ आ चुकी हूँ, वरना यहाँ पे आने के बाद ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से जो है फिर मैंने सोचा कि क्या मालूम ब्लॉग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा।
और होता है ना ये चीज़ें मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी थ्रेडिंग वगैरह, बट मैंने सोचा आज नहीं कल कर लूँगी कल कर लूँगी, और देखा कल कभी आया ही नहीं। और राखी के एक दिन पहले रात को मैं ये थ्रेडिंग बना रही हूँ ऐसा हो गया है। और मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ राखी वाले दिन, मुझे अभी जो है वीडियो अपलोड करनी है क्योंकि मैं सोची थी एक दिन पहले अपलोड करने का बट मैं नहीं कर पाई। और आप कर रही हूँ, पीछे से जो है वॉइस आ रही होगी सभी लोगों की क्योंकि सब लोग उठ चुके हैं। और वहाँ देखो मम्मी खड़ी हुई हैं पीछे, सभी लोग बातें कर रहे थे तो मैंने ना वॉइस हटा दी है, मैंने ओरिजिनल वॉइस जो है उसको म्यूट कर दिया है ताकि क्योंकि ना होता है अब क्या क्या बातें कर रहे हैं आप लोग सुनोगे तो बोलोगे यार क्या हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं मेहंदी लगा रही थी, किट्टू बिल्कुल भी नहीं लगाने दे रही थी, परेशान कर रही थी। तो बस गाइस यही था आज का ब्लॉग। ये नाइट में हम लोग 12 बजे करीब जो है मेहंदी लगा रहे थे और 2 बजे समथिंग हम लोग सोए थे, ऐसे ही हम लोगों का हुआ है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।